साथ होंगे सहाय, हम लौटे चरण तेरे दीनानाथ, दीनानाथ होंगे सहाय। पहली बात कि मैं बिहार से हूँ, जी हाँ बिल्कुल बिहार में मैं पैदा हुई हूँ, बट बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी। बट बिल्कुल मैं छठ के महात्म्य को समझती हूँ, क्योंकि बचपन से मैंने देखा है कि छठ का व्रत रखने के लिए कितना तप करना पड़ता है। उसके 3-4 दिनों पहले से आपका प्रोसेस शुरू हो जाता है और इतनी शुद्धता की ज़रूरत होती है बिना पानी के। इसमें मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपने स्पिट को भी नहीं निकल सकते। तो करवा चौथ भी कहते हैं कि उससे भी मतलब टफ त्यौहार है, और 3-4 दिनों तक ये आप इस प्रोसेस में रहते हैं तो बिल्कुल आसान नहीं है। तो इसलिए गाना लेकर आ गई, और मतलब छठ मैया की मर्जी हुई तो उन्होंने गवा लिया मुझसे ये गाना। हर लेकिन आज के दौर में हम देख रहे हैं कि जो त्यौहार का महत्व है काफ़ी कम हो गया है, और पहले के ज़माने में देखते थे छठ का जो गाना था शारदा देवी बहुत शारदा सिन्हा जी, लेकिन आज के दौर में क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से लोग की रुचि रही है पर्व को लेकर या गीत संगीत को लेकर? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि इसका महत्व मतलब कम हो गया है, महत्व कम नहीं हो सकता, लेकिन हाँ लोग जैसे बिखरते जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जाकर बस रहे हैं अपनी जगह छोड़कर, तो जाहिर सी बात है कि आप अलग अलग जगह पर रहते हैं। जैसे कोई बिहार से उठ के मुंबई आ गया, गुजरात हो गया, राजस्थान चला गया, या फिर किसी और शहर में जाके बस गया, तो ऐसा लगता है कि ये पालना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि आप जहाँ जुड़े रहते हैं वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं और लोग होते हैं आपके साथ। आप किसी अलग जगह पे जाके बसते हैं तो आपको वहाँ पे लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता, आपको अकेले त्यौहार करना है, कई बार पता भी नहीं होता है कि कैसे करते हैं। तो ये एक परंपरा है जो कई सालों से निभाई जा रही है, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए आपको भले सारी चीज़ें आपको ना अवेलेबल हो, पर उसका भी एक रास्ता होता है। ऊपर वाले ने कभी किसी चीज़ को बांध के नहीं भेजा, तो उसका भी एक रास्ता है, आप उस रास्ते से जाइए और छठ करिए, परंपरा को निभाइए। तो कैरियर के बारे में जानना चाहूँगा कि कैरियर की शुरुआत कहाँ से की थी आपने, जो संगीत क्षेत्र था, क्या रुचि हुई, क्या किसने प्रेरित किया आपको इस क्षेत्र में आने के लिए? मैं बचपन से गाती रही हूँ, भजन वगैरह बहुत गाती थी स्कूल वगैरह में। मेरी दादी मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, मेरी परवरिश मेरे दादा दादी ने की है, तो उन्होंने वो हमेशा रामायण गीता और ये सब चीज़ें मेरे मतलब पढ़ के मुझे सुनाती थी, तो जिससे मेरे अंदर गाने की रुचि पैदा हुई। और उसके बाद मैं लता जी को सुनती थी और ऐसा लगता था कि बस यही करना है मुझे, मतलब मुझे पता नहीं, एक आवाज़ आती थी कि नहीं मुझे सिंगर बनना है। पर काफ़ी मतलब जब करियर का शुरुआत करने का मतलब समय शुरू हुआ, तो कोइंसिडेंटली मेरे करियर की शुरुआत में मतलब सूरत में शोज़ भी कर रही थी, शुरुआत हो चुकी थी सिंगिंग से, पर मेरा रास्ता मुड़ गया एक्टिंग की ओर, और मैं एक्टिंग करने लगी, मेरा करियर अच्छा चलने लगा, और सिंगिंग से मेरा थोड़ा सा दूर का रिश्ता हो गया, पर मैं फिर अपने मतलब पैशन को फॉलो करने के लिए आ गई, और अब मैं सिंगिंग भी करना चाहूँगी। तो ये कितना आप बड़ा एडवांटेज मानती हैं अच्छी आवाज़ के साथ अच्छी शक्ल जुड़क होना मतलब किसी आर्टिस्ट के लिए? जैसा कि आपने बताया कि गायकी से फिर आप अभिनय में आए, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दो चीज़ मैनेज करना एक साथ बहुत मुश्किल होता है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? थैंक यू, पहले तो आपने तारीफ की इसके लिए, पर मैं ये कहूँगी कि ये इसमें मेरी क्योंकि मेरा इसमें इनपुट तब होता है जब मैं गाती हूँ और मैंने इसको मतलब मैं इसकी तालीम ले पाती, पर ये तो ऊपर वाले की देन है, आवाज़ और जो भी है वो ऊपर वाले की देन है, और मैं उसको वैसे ही रॉ फॉर्म में ही आगे लेके बढ़ रही हूँ। अब इस पर मेरी मेहनत, मेरी श्रद्धा और लोगों का सपोर्ट। तो हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है, जब कला की बात करें कलाकार को तो सबसे ज़्यादा संघर्ष है अपने जीवन में, आप अपने संघर्ष की कहानी बताइए, और बताइए क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा मौका है आज के दौर में कलाकार के लिए, और कितना ज़्यादा लोग सपोर्ट करते हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं जी? किसी भी मैं ये कहूँगी कि संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता, मेरा संघर्ष अभी भी जारी है जहाँ मैं पहुँचना चाहती हूँ। अभी मैं ये कहूँगी कि मैं तो पहले पायदान पे ही हूँ, तो संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हाँ आप पैशनेट रहिए, डेडिकेटेड रहिए, और जो आपको करना है बस आप करते रहिए, मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी। और इनफैक्ट अभी ये जो समय चल रहा है ये सबसे अच्छा दौर है,
क्योंकि ये डिजिटल मीडियम और आपके पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, जैसे कि अगर मैं पहले शायद अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत करने के लिए सोचती तो, या फिर मुझे मौका मिलता तो, जो लोग शायद गाना बनाने के लिए सोचते तो उनको भी ये सोचना पड़ता कि कौन सी म्यूज़िक कंपनी मेरे गाने को लेगी या कहाँ हम ये करेंगे, तो बहुत सारे इफ़ एंड बट्स आ जाते हैं। बट आज आप अपने घर में बैठ के जहाँ पर आप हैं वहाँ से ही आप अपने टैलेंट को लोगों तक डायरेक्ट पहुँचा सकते हैं, तो इससे बेस्ट समय और इससे बेस्ट मीडियम तो हो ही नहीं सकता। और शायद यही एक वजह है कि अभी मेरे सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई है। तो प्रशिक्षण कहाँ से लिया आपने, प्रशिक्षित हुई किसी संस्था से या कोई ऐसा मेंटोर है आपका जो कोई ऐसा आपको जो गाइड किया शिफ्ट को लेकर? नहीं, मैं मतलब ये मेरा दुर्भाग्य ही बोलूँगी कि मैं प्रशिक्षण तो नहीं ले पाई समय की व्यस्तता की वजह से, और कई बार मैं ट्रैवल करती रहती हूँ तो मौका भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हाँ, मैंने सुरेश वाडेकर जी की एकेडमी भी ज्वाइन की थी, थोड़ा सा वहाँ से शुरू मतलब कुछ दिन ही सीख पाई, पर वही वीकेंड्स में उनके क्लासेस होते थे एंड मैं अटेंड नहीं कर पाती थी शूट के वजह से, तो तालीम तो मैं नहीं ले पाई। लेकिन जी, मैं आगे बिल्कुल तालीम लूँगी। तो ये भी जानना चाहूँगा आपकी जो उपलब्धियाँ अभी तक, क्या क्या उपलब्धियाँ आपने की है और उपलब्धि से कितनी खुश हैं अभी तक आप? मैं अपने हर काम से खुश हूँ, संतुष्ट नहीं हूँ पर खुश ज़रूर हूँ, क्योंकि वो जो भी मतलब आपकी एक जर्नी होती है, आप कहीं से शुरुआत कहीं से तो करते हैं और कहीं आपको पहुंचना होता है, तो जहां आपको पहुंचना होता है वो मिल जाए तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो जर्नी जितनी सुखद होती है उतना ही सुखद आपका अनुभव होता है। और आपका दूसरा सवाल क्या था? और कितनी मतलब उपलब्धियाँ जो किया है, कोई शो के बारे में बताइए, यादगार शो या कोई एल्बम या जो भी चीज़ आपने आपको किया है अभी तक उसके बारे में बताइए। मैं काफ़ी काम कर चुकी हूँ इंडस्ट्री में, मेरी यादगार प्रोजेक्ट कहेंगे तो मेरे लिए मेरी यादगार प्रोजेक्ट है रचनानो डब्बो, गुजराती फिल्म जो मैंने लास्ट ईयर की थी और काफ़ी अच्छी रही थी, दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आई थी, तो वो मेरे लिए यादगार प्रोजेक्ट है। लेकिन ऐसे मैंने एज अ प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर, एज एन एक्टर, तो मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, लोगों का प्यार मिलता रहा है और अब मैं सिंगिंग में भी हूँ तो आगे भी गाने गाऊंगी। तो ये जानना चाहूँगा कि ये जो उपलब्धि आपको मिली है, ये जिसे आप संतुष्ट हैं, लाख और जो लैंग्वेज की बात करें कि गुजराती फिल्म में भी किया है आपका तालुका यूपी से, तो लैंग्वेज को बैरियर हुआ है गुजराती फिल्म में काम करने का अनुभव कैसा था? लैंग्वेज जी होता है, क्योंकि भाषा कहते हैं कि हर भाषा का अपना एक फील है और आप उस फील को अगर नहीं समझ पाते हैं तो लोगों तक आपकी बात नहीं पहुँचती है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए तो मतलब आप सीख ही लेते हैं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मेरा काम है वो, मुश्किल भी होती है पर कई बार थोड़ी टूटी फूटी गुजराती बोलती हूँ तो सपोर्ट भी मिल जाता है, तो इस तरह से काम आगे बढ़ता है। तो आगे भविष्य को लेकर क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करना चाहती हैं, किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं? भविष्य में बाकी सारी प्लानिंग तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है, कुछ एक गुजराती फिल्म और मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स अभी रिलीज़ पे हैं, नियर फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, पर बाकी जो जर्नी है मैं उसको सीमित नहीं करना चाहूँगी, मुझे लगता है कि स्काई इज़ द लिमिट और